दोस्तों आज हम बात करेंगे खिलाड़ी कुमार की फिल्म केसरी के बारे में। फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने ट्रेलर देखा था मैं कोई ख़ास इम्प्रेस नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने उसका ट्रेलर रिव्यू देना ज़रूरी नहीं समझा। अभिषेक सिंह आई थिंक इज़ द डेब्यूटेंट डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। करण जौहर के साथ मिलकर खिलाड़ी ने इस फिल्म को बनाया है, उनकी पत्नी धर्म पत्नी ट्विंकल खन्ना भी इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में। द मूवी इज़ बेस्ड ऑन द फेमस सारागढ़ी बैटल, 21 सरदार 10,000 अफगान, चिड़िया नाल बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह ना तरावा। बचपन में पढ़ा था बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में, सुना भी था कि 21 सरदार लड़े थे 10,000 अफगानियों से। ये स्टोरी एग्जैक्टली ब्रिटिश राज के दौरान की है, जब हिंदुस्तान ब्रिटिश के पास गुलाम था और अफगान पंजाब के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें 3 फोर्ट्स पे कब्जा करना बहुत ज़रूरी था, एंड वन ऑफ देम वॉज सारागिरी। सो वॉट वील एग्जैक्टली टॉक अबाउट टूडे इज द बैटल ऑफ सारागिरी। बैटल ऑफ सारागिरी, उस एक फोर्ट को बचाने का लक्ष्य ये था कि जो बाकी 2 फोर्ट हैं पंजाब के वो बच जाएं, ब्रिटिश फौजें वहाँ पहुँच जाएँ। हाउ 21 पीपल, सिर्फ 21 सरदार सिंगल बैरल गन के साथ, जब आप बार बार खट 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 करते हैं ना एक बुलेट के लिए कंधे टूट जाते हैं। आई नो दीज पीपल आर ट्रेंड, बट कितना 10,000 से लड़ने के लिए नहीं, इतने घंटों तक उन्हें रोकी रखा, बिलीव नहीं होता ये सच है, सच पे आधारित है, बट इट्स अ फैक्ट। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पे अक्षय कुमार वंस अगेन पूरी तरह स्क्रिप्ट में खो जाते हैं पूरी तरह से। आई सैल्यूट द स्पिरिट ऑफ दोज ब्रेव 21 सरदार्स, जिनकी वजह से आज भी इस कौम को सबसे ज़बरदस्त लड़ाकू कौम माना जाता है। एक सरदार के गुस्से से भयंकर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं आज भी माना जाता है, जिसे कांग्रेस और अकाली दल ड्रग लैंड बना रहे हैं। तो आज की पीढ़ी को ये देख के सीखना चाहिए कि हमारे पूर्वज क्या चीज़ थे, क्या बल वो हमें नेमत में दे गए हैं, उसका आदर कीजिए और इन पॉलिटिशियंस के चंगुल से निकलिए। आई गिव 4 स्टार्स टू दिस मूवी। मैं ज़्यादा स्टोरी के बारे में रिवील नहीं करूँगा, आप सब जानते हैं उसके बारे में। इसमें कुछ कुछ चीज़ें फिक्शनल है जिस वजह से मैं इसे 5 स्टार नहीं दे रहा, बट आखिर में आपकी आंखों से आंसू निकालने में मजबूर हो जाएगी ये फिल्म। परिणीति चोपड़ा के 2 या 3 सीन हैं, किस लिए हैं मुझे समझ नहीं आया। शी लुक्स नॉट एट ऑल कन्विंसिंग एज अ वाइफ ऑफ अ पंजाबी सोल्जर, पंजाबी पुलिसमैन, पंजाबी आर्मी मैन, जो मर्जी कह लो, ब्रिटिश सोल्जर। दिस मूवी विल टेल यू हाउ ब्रूटल द अफगान्स वर। वो गे भी थे, होमोसेक्सुअल थे, सेक्स एडिक्ट थे, मेंटली सिक थे, क्राइम करना उनका शौक था, लोगों को तड़पा कर उन्हें मज़ा आता था। अगेंस्ट दैट नो डाउट these warriors fought for the British, but they didn't wanted the Punjab, their fort, to go to the Afghans. So ek spirit hai, ek liveliness hai, it's a must watch movie for not only Punjabis, not only Sardars, for all the Indians, even for people who don't belong to India, to see the spirit, the fighting spirit of these Sardars. Aur aaj ke baad जब भी किसी फेसबुक या सोशल मीडिया पर सरदार पर मजाक हो और आप उसे टिक मारें, लाइक करें और हाँ 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 रिप्लाई करें, उससे पहले केसरी के बारे में सोचना, इन 21 लड़ाकुओं के बारे में सोचना, इन 21 जाबाज मर्दों के बारे में सोचना और सोचना क्या थे हमारे पूर्वज। आपका होस्ट, आपका दोस्त, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था फिल्म देखते हुए, देशभक्त हूँ, किसी धर्म का भक्त नहीं, किसी पार्टी का भक्त नहीं, किसी नेता का भक्त नहीं, देशभक्त हूँ, तिरंगे का भक्त हूँ। इसीलिए केसरी मूवी को रेकमेंड करता हूँ। दलालों ने भी काफ़ी तारीफ़ की है, बट मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, सत्य है मेरी पहचान है। इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे चाहने वाले मुझे आज भी पसंद करते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं। मेरे विश्वास पर जाइए, 4 स्टार मूवी रेटिंग, 5 स्टार बिजनेस रेटिंग, 125 से 150 करोड़ का बिजनेस ये 100% इंडिया में करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।